कैसे हो आप सब? सब बढ़िया ही होगे? बिल्कुल नए ऑडियो न्यूज़ के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो ऑडियो गीक वर्ल्ड। सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल बटन को दबाइए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज का जो पहला न्यूज है वो है होंडा की तरफ से। होंडा ने बेसिकली ग्राजिया का BS6 वेरिएंट को टीज कर दिया है। तो टीजर से मालूम पड़ रहा है कि जो नया वाला ग्राजिया होगा उसमें थोड़े बहुत डिजाइन चेंजेस है, काफी हद तक डियो की तरह लग रहा है। सामने LED DRLs है और जो साइड पैनल्स है और जो पीछे का रियर सेक्शन है उसको भी रीडिजाइन किया गया है नए डिजाइन के साथ। और इसमें ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखता है जिसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इसका जो प्राइस है PS6 और PS4 का जो डिफरेंस है वो तकरीबन आपको 7,000 to 8,000 रुपीज ज्यादा महंगे में मिलेगा ग्राजिया। तो ये था आज का पहला न्यूज। ओके, तो दोस्तों आज का जो दूसरा न्यूज है वो है ट्रायम की तरफ से। सो बेसिकली ट्रायम ने लॉन्च कर दिया अपना ट्रायम टाइगर 900 इंडिया में, और जो स्टार्टिंग प्राइस वेरिएंट का प्राइस है वो है 13.7 लाख रुपीज। एक शोरूम इसके बुकिंग स्टार्ट हो गए, तो बेसिकली जिसको भी इंटरेस्ट है वो बुक कर सकते हो। तो तीन मॉडल्स है, GT, रैली और रैली प्रो। रैली प्रो का जो प्राइस है वो कुछ 15.5 लाख के आसपास है। इसमें आपको फुली एडजस्टेबल सोवा का सस्पेंशन मिल जाता है जिसमें सस्पेंशन ट्रैवल है 180 और 170 mm। इसमें आपको ब्रेम्बो के ब्रेक्स मिल जाते हैं। और जो टॉप स्पेक मॉडल है उसमें आपको बायडायरेक्शनल क्विक शिफ्ट, सीटेड मतलब हीटेड ड्राइवर और पिलियन के सीट्स, फिर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, फॉग लैंप्स मिल जाता है, और जो सभी बाइक्स में कॉमन है वो है एक 7 इंच का TFT स्क्रीन जिसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। और IMU के साथ इसमें कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल है और 20 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो जितने भी ट्रायम्स के फैंस हैं जरूर से जाके उसको बुक कर लीजिए। आज का जो थर्ड न्यूज है वो है डुकाटी की तरफ से। तो बेसिकली कभी आपने ये सुना है कि एक लेगो से बनाया हुआ गाड़ी जिसका टॉप स्पीड है 300+, तो आज आप सुनने वाले हो क्योंकि 1:1 रेशियो का एक पानीगाले V4 को बनाया गया है कंप्लीटली लेगो से। अभी कंप्लीटली लेगो से मतलब ये है कि जो इंटरनल पार्ट्स है वो तो नॉर्मल पानीगाले के ही है, बट जो एक्सटीरियर है, जो विंगलेट्स है, जो साइड पैनल्स है, बॉडी पैनल्स है, वो लेगो से बनाया गया है। चमत्कार को करने वाले का नाम है रिचार्डो जांगेलमी। तो इन्होंने बेसिकली एक फुल फ्लेश पानीगाले को बनाया है, बट ये पानीगाले को आप चला सकते हो, बट ये काफी खतरा रहेगा क्योंकि 98cc का इंजन है वो काफी हीट प्रोड्यूस करता है, और उस हीट के वजह से जो लेगो ब्लॉक्स है, जो ब्रिक्स है, वो गिर जाएंगे या मेल्ट हो गए रह जाएंगे। तो बेसिकली बनाया तो है, शोकेस भी किया है, बट आप इसको चला नहीं सकोगे, ऑल्दो ये चलता भी है। ओके सर, आज का जो लास्ट न्यूज है वो है ओकिनावा की तरफ से। ओकिनावा ने रजिस्टर किए है तकरीबन 1,000 स्कूटर्स के सेल्स, वो भी मई महीने में, और ये सेल्स काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंपनीज जहां पे हीरो इलेक्ट्रिक का सेल कुछ तकरीबन 700 के आसपास था। और इससे जाना जाता है कि लोगों को EVs पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लास्ट ईयर ओकिनावा ने कुछ 10,000 स्कूटर्स को सेल किया था, और ओकिनावा का जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि कोविड के वजह से मतलब लोग ज्यादा स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल या व्हीकल से क्योंकि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर पा रहे। तो ये तो बहुत अच्छी हुई अच्छी बात है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमारा फ्यूचर है। देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड? बस आज इतना ही, अगले संडे मिलेंगे बिल्कुल नए फ्रेश ऑटो न्यूज के साथ। चलो दोस्तों बाय, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।